अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, क्या हाल चाल है आप सबका। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे और बहुत खुश होंगे। आज जनाब तैयारी हो रही है शादी पे जाने की, तो वलीमा था और थंबनेल से आपको अंदाज़ा हो गया होगा कि मैं कहाँ गई थी। तो बहुत ही मज़ा आया था, बहुत ही ज़बरदस्त सी शादी थी और वहाँ मेरी मुलाकात फ़िरोगी से हुई थी। बहुत ही ज़बरदस्त सब कुछ रहा। चले जी वहाँ चलते हैं और पहले सबसे पहले तैयार होते हैं। और अभी मैं ड्रेस सेलेक्ट करना था, मुझे समझ नहीं आ रही थी मैं क्या पहनूँ, तो मैं आपको अपने ड्रेसेस दिखाती हूँ उसके बाद। जी साड़ी नेट की साड़ी है मेरे पास, लेकिन समझ नहीं आ रही है पहनूँ या ना पहनूँ। और ये है सूट, अब इसमें भी सिलेक्शन करने में प्रॉब्लम हो रही है, सोच रही हूँ कि इसकी जगह दूसरा सूट पहनूँ। चले देखते हैं क्या करते हैं। घर से हम लोग निकल चुके हुए थे, तैयार होकर वीडियो इसलिए नहीं बना सकी कि थोड़ा सा लेट हो गए थे। ये जी रास्ते में हम जाते हुए वीडियो बना रहे थे। ये तकरीबन हम हॉल के पास पहुंच चुके हुए थे, यहाँ पे सारे हॉल्स स्टार्ट हो चुके हुए थे। कैंट का एरिया है ये और हमारा जो हॉल का नंबर था वो था 18। ये जी हॉल है जहाँ पर हम लोगों ने शादी अटेंड की थी, ये हम इसमें एंटर हो चुके हुए हैं। और अभी जो ब्राइड और ग्रूम है वो नहीं आए थे और यहाँ पे तकरीबन सब लोग पहुँच चुके थे। यहाँ पे जनाब ब्राइडल भी आ चुकी हुई थी, ग्रूम भी आ चुके हुए थे, दोनों आ चुके हुए थे। ये उनका हो रहा था इस्तकबाल, बहुत अच्छा सा इवेंट था, बहुत ही ज़्यादा मज़ा आया था। ख़ास तौर पे मैंने तो बहुत इन्जॉय किया था। ये जनाब बहुत ही ज़बरदस्त सा फंक्शन है। यहाँ पे मेरी मुलाकात हुई थी फ्रॉगी से, इनके साथ मैंने खड़ी होकर पिक्चर्स भी बनवाई थी और गपशप भी हुई थी हम दोनों की आपस में। और एक छोटा सा क्लिप था उनका और मेरा। और ये देखिए जी हॉल देख सकते हैं आप, कितना माशाल्लाह से ज़बरदस्त है, बहुत ही ज़्यादा बहुत मज़ा आया था शादी पे। यहाँ से हम निकल चुके हुए थे, शादी का फंक्शन 10 बजे तकरीबन ख़त्म हो गया था, तो अब हम घर के लिए निकले थे। और ये मैंने सोचा कि यहाँ पे थोड़ा सा हम स्लोमो बना लेते हैं हॉल्स के बाहर के। और बहुत अच्छा मौसम भी बहुत अच्छा था और सब कुछ बहुत अच्छा रहा था, बहुत इन्जॉय किया था। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करेंगे आप, और वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करेंगे। और कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि आपको मेरी ये वीडियो कैसी लगी। ये देखिए जी यहाँ पे हम स्लोमो बनाते हुए जा रहे थे। और ये देखिए नहर का व्यू दिखा दूँ मैं आपको, जश्ने बहारा स्टार्ट हो चुकी हुई है और यहाँ पर बहुत ही खूबसूरत से नहर को सजाया गया है। बहुत ही ज़बरदस्त लग रहा था सब कुछ और बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत माशाल्लाह से। ये देखिए जी रोशनियों का शहर है लाहौर वैसे भी, और कहा जाता है जिन्हें लौ नहीं वेखिया उन्हें कुछ भी नहीं वेखिया। और हम लोग तकरीबन घर के पास पहुंचने वाले थे और रास्ते की वीडियो इसलिए बना रही थी कि आप लोग भी इसे इंजॉय करें। यहाँ पे मैंने थोड़ा सा स्लोमो बनाना शुरू कर दिया था क्योंकि स्लोमो भी कभी कभी बहुत ही अच्छा लगता है, बंदा एंजॉय कर लेता है कुछ और ना सही। तो यहाँ पे जी स्लोमो बनाते हुए हम घर की तरफ रवा दवा थे कि घर पहुँच जाएं और फटाफट से घर जाकर बस मुंह धोकर फ्रेश हो जाएं, क्योंकि मोस्टली जब भी फंक्शन अटेंड किया जाता है सबकी कोशिश होती है कि फटाफट से फंक्शन से अटेंड करने के बाद हम अपने मुंह को धो लें, फ्रेश हो जाएं, क्योंकि जितनी देर आप मेकअप लगा के रखेंगे उतना ही काम ख़राब हो जाता है मुंह का। ये जनाब गाड़ियां देख सकते हैं आप कितनी स्लो स्लो चल रही हैं क्योंकि ये स्लोमो बन रहा है। और यहाँ पर हमारा स्लोमो जो था वो ख़त्म होने वाला था तकरीबन। अच्छा नेक्स्ट इंशाल्लाह व्लॉग आपका आपको किसी और के साथ भी शेयर करूंगी और वो आप लोगों के लिए भी और मेरे लिए भी सरप्राइज़ तो नहीं होगा, मेरे लिए तो नहीं होगा लेकिन आप लोगों के लिए सरप्राइज़ होगा इंशाल्लाह। और रमज़ान से रिलेटेड रेसिपीज़ इंशाल्लाह जल्द ही बनाना शुरू कर दूँगी क्योंकि रमज़ान शुरू होने वाला है, काफ़ी हद तक मौसम भी चेंज हो चुका हुआ है तो उससे रिलेटेड भी चीज़ें बनाई। शादी से हम लोग वापस आ चुके हुए हैं और फ्रॉगी के बारे में अगर मैं बात करूँ तो बहुत ही नाइस पर्सन है। मुझे उनसे मिलके बहुत अच्छा लगा और बहुत मज़ा आया और उनके साथ मैंने पिक्चर्स, मेरी बेटियों ने, मैंने, और मतलब वो वहाँ पे सबके साथ बहुत घुल मिल के बात कर रही थी। जैसे कहा जाता है ना कि इतने बड़े यूट्यूबर है तो उसके अंदर बहुत एटीट्यूड होता है, ऐसा कुछ भी नहीं था। उन्होंने बहुत अच्छे तरीके से सबसे बात की, स्पेशली हम लोग तो इन्वाइटेड थे वहाँ शादी पे उनकी तरफ से, तो
बहुत ही मजा आया, बहुत ही जबरदस्त, हर चीज आउट क्लास थी, हॉल से लेके खाना हर चीज, और वहां पे सब लोग मतलब जितने भी लोग थे ना बहुत अच्छे थे, बहुत ही ज्यादा मजा आया मुझे स्पेशली। और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को वो सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। और एक बात, आपका जो लाइक होता है और आपका कमेंट होता है मेरे लिए प्यार होता है आप लोगों की तरफ से, तो उम्मीद करती हूँ कि आप लोग जरूर अपनी दुआओं में याद रखेंगे। और रमजान स्टार्ट होने वाला है तो उससे रिलेटेड जितनी भी रेसिपीज हैं वो इंशाल्लाह आपके साथ जल्द शेयर करूंगी, और इसी तरह से आप लोगों का प्यार मिलता रहे। तो फिर मुलाकात होगी आपसे इंशाल्लाह किसी नेक्स्ट व्लॉग में, तो बहुत सी दुआओं में याद रखिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।